अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर एक तरफ जहां देशवासियों में खुशी का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम के न्योते को लेकर सियासत भी गर्माई हुई है। बता दी कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया था, लेकिन कांग्रेस ने न्योते को ठुकरा दिया है। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी ने इसे बीजेपी का कार्यक्रम बताते हुए जाने से इनकार किया है। वहीं पार्टी के इस फैसले पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आपत्ति जताई है और अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं को हिंदू विरोधी तक बता दिया है। देखिए, राम मंदिर और भगवान राम सबके हैं। राम मंदिर को भाजपा का समझ लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। राम मंदिर को बीजेपी का मानना दुर्भाग्यपूर्ण है। राम मंदिर को आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का मान लेना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी नहीं है, कांग्रेस राम विरोधी नहीं है। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने इस तरह का फैसला कराने में भूमिका अदा की है। आचार्य प्रमोद कृष्णम का आरोप है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं के दबाव में आकर पार्टी ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकरा दिया है। ये फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे करोड़ों उन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को सदमा लगा है जिनकी आस्था भगवान राम से जुड़ी है। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने इस तरह का फैसला कराने में भूमिका अदा की है। ये बड़ा गंभीर विषय है। आज मेरा दिल टूट गया है और इस फैसले से करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल टूटा है। उन कार्यकर्ताओं का, उन नेताओं का जिनकी आस्था भगवान राम में है। कांग्रेस वो पार्टी है जो महात्मा गांधी के रास्ते पे चलती है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसके नेता राजीव गांधी ने ही इस राम मंदिर का शिलान्यास, राम मंदिर के ताले खुलवाने का काम किया। भगवान श्री राम के मंदिर में के निमंत्रण को स्वीकार ना करना ये बहुत दुखद है, ये बहुत पीड़ादायक है, ये बहुत कष्टदायक है। आपको बता दें, निमंत्रण ठुकराते हुए कांग्रेस की ओर से आधे अधूरे मंदिर के उद्घाटन पर सवाल उठाए गए हैं। साथ ही से बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम भी बताया गया है। कांग्रेस का कहना है कि भगवान राम को देश में पूजा जाता है, धर्म निजी मसला है, लेकिन बीजेपी ने मंदिर को राजनीतिक प्रोजेक्ट बना दिया है। इसी को लेकर कांग्रेस, सपा, टीएमसी समेत शिवसेना ने प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से इनकार कर दिया है। अब इसी फैसले पर कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस हाईकमान से दोबारा विचार करने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।